खुद को बिलासपुर लोकसभा से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने और विधायक देवेंद्र यादव को टिकट दिए जाने के विरोध में अनशन में बैठे कांग्रेस नेता जगदीश कौशिक ने अंततः शुक्रवार को अनशन समाप्त कर दिया है। दरअसल कौशिक विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर से लोकसभा का टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस भवन में 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। जगदीश कौशिक को मनाने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी सहित अन्य नेताओं ने गुरुवार को जमकर पसीना बहाया, लेकिन जगदीश कौशिक ने अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया था। शुक्रवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा मिले आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र यादव के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। लोकसभा तुम्हारे लायक नहीं है, तुम लोकसभा के लायक नहीं हो, ये कह दीजिए मेरे को। बस आप कह रहे हैं कि 3 तारीख तक का 3 तारीख का सीसी मैं भी समझ रहा हूँ, स्थगित करने के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नहीं, अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय नहीं है, ये मेंबर है उनके। बात रखने का विषय नहीं होता, बात रखने का विषय नहीं होता है ना। बात आप तो बात रखेंगे ही, माननी जी बात रखने के पश्चात क्या निर्णय आएगा, क्योंकि निर्णय प्रदेश के जो प्रमुख नेतागण है, आप है, माननीय पीसीसी चीफ है, माननीय भूपेश बघेल जी है, माननीय सीएलपी लीडर साहब है, इन नेताओं से परे होकर के एआईसीसी फैसला दे रही है क्या? दबा के रखे नहीं, आपके आवेदन को पता नहीं है, इसका पता नहीं, माननीय पीसीसी चीफ आपको आपको पता ही नहीं है कि मैंने आवेदन दिया भी है कि नहीं दिया है? नहीं मालूम है। ये दोनों जिलाध्यक्षों ने मेरे आवेदन को दबा दिया था क्या? नहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जमा है आपका आवेदन, चूंकि पार्टी ने अभी तक पीसीसी चीफ ने मेरे विषय पर वहां पे एआईसीसी में सीसी बैठी, उसमें बात ही नहीं हुआ। चूंकि प्रदेश कांग्रेस अभी किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं उसी टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आधिकारिक तौर पर आवेदन मंगाया ही नहीं था, कोई आवेदन नहीं था आधिकारिक तौर पर, कोई आवेदन नहीं था। देवेंद्र यादव का कहाँ से आया वो आवेदन? हमने देवेंद्र यादव का कहाँ से आ गया? आपने बयान दिया, जिला आपने दिया, आप लोगों ने दिया, पार्टी ने जिसको जिसको अवसर दिया है, बहुत सारे लोग मांगते हैं, बिना आवेदन उन्होंने मांगा है क्या देवेंद्र यादव ने? बिना आवेदन के निर्णय हुआ आपसे, आप अनुरोध करते हैं आपसे कि सीसी में आपसे निवेदन करने आग्रह करना था, बैठते यहाँ पर आपसे कोशिश कर रहे हैं, सम्माननीय कार्यकर्ता है, कांग्रेस की बात करा रहे हैं, कांग्रेस की सम्माननीय कार्यकर्ता है, मैं पीसीसी चीफ से बात किया, श्रीवास्तव जी ने पीसीसी चीफ से बात किया, दोनों विधायक बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, हाईकमान पायलट जी से बात हो रही है कि बताओ बता देता हूँ, चुनाव भी लड़बो तो यही प्रदेश के नेता मन ही जीत वहा, यही 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 जिला के नेता मन ही जीत वहा, ठीक है ना? अमेरिका ने कोई आके हमको नहीं जीतवाया, अमेरिका ने आके कोई हमको नहीं जीतवाया, तो जीतवाए गुता भी करिए, तू हिचमन करिए कि तुमन नेता हमार, आप चाहते थे मेरी बात पहुँचे, आपकी बात पहुँच गई हाईकमान को, आपका सीधा बात कर लिए, तो पहले पहुँचा रहे आप दोनों जन, बता रहे पूरा हर चीज के बाद की बात भी पहुँचा दिए हैं और आपके बारे में विचार, एक एक मिनट की बात पहुँच गई, पहुँच रही है, और अभी आपसे डायरेक्ट इसी पे बात चल रहा है क्योंकि आपको लगे कि बात पहुंच रही है। महान जी का कहा पायलट जी के भी संज्ञान में पूरा मामला दे दिया गया है, और 3 तारीख को जिस को वो करेंगे, सब बोल रहे हैं यही, पहले तो रिओपन हो रहा, तो हो जाए ना, अब लोकतांत्रिक निर्णय में अभी क्या कहे जा सके थे, तू मन बिलासपुरिया नेता मन का करिया तेल बताओ, प्रदेश के दोनों नेता तू मन कही देवा जगदीश से, हाँ अंतल तोड़ दे तो टिकट हम लाभो, 3 तारीख के लाभो के पास हमारे हाथ में होती तो फिर क्या बात है, यही मार देते प्रयास करेंगे, अभी दस्तखत मार देते, दस्तखत मार के दे देवा, हम उनके देवों से प्रयास करेंगे, अरे तू मन कही देने हम अनुशंसा कर सकते हैं लेकिन हम दे नहीं सकते ना, वो सीसी है एक औपचारिक संस्था है, ठीक है ना, परंतु तू मन जिन कही तेरे वहाँ होना है, अब चल अब इसके बाद कुछ बचता है, ले जगदीश भाई अब ले सबके वोट, हम तोरो वोट सुनथन 12 महीना, तो सुना मत वोट है ना, 12 महीने चुप नहीं पूरा
अरे नहीं।